हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जूलॉजी। आज क्लास आम पढ़मा द डिसऑर्डर रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम। आम बॉडी रो इम्यून सिस्टम संगे कैन कैन डिसऑर्डर रिलेटेड अच्छे और ड्यू टू द इम्यून सिस्टम रो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग आम बॉडी में काना काना डिसऑर्डर देखा जाए से विषय में जानमा। सो लेट अस स्टार्ट। तो इन आम जिन पढ़मा अबाउट ऑटो इम्यूनिटी दैट इज इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर एलर्जी इम्यूनोडेफिशिएंसी ये सब हो डिसऑर्डर रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम आइदर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सेल्स और ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सेल्स और कई जगह आम इम्यून सिस्टम टा बहुत अधिका सेंसिटिव हो जाए अधिका रिएक्टिव हो जाए और कई जगह देखा जाए कि आम इम्यून सेल्स मैंने आम निजर बॉडी सेल मान के एक अटैक करसन। तो से सब लगे आम बॉडी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर देखा जाए। तो से विषय आम डिटेल्स पढ़मा। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी एंड और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मीन्स सेल्फ और ओन। सो ऑटो इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द इम्यूनिटी डेवलप्ड अगेंस्ट द ओन बॉडी सेल्स और स्ट्रक्चर। जिते बेले आम बॉडी रो इम्यूनिटी आम निजर बॉडी रो सेल और बॉडी रो स्ट्रक्चर अगेंस्ट डेवलप हेसी ताकि कह जाए ऑटो इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल जदि आम बॉडी रो सेल्स माने और इम्यून सेल्स माने आम निजर बॉडी रो सेल मान के और निजर बॉडी रो स्ट्रक्चर के मारवाटा स्टार्ट कर देबे ताकि कह जाए ऑटो इम्यूनिटी। सो हियर द एंटीबॉडीज और द किलर टी सेल डिस्ट्रॉय आवर ओन बॉडी सेल्स। जदि आम एग्जांपल नामा एग्जांपल इज मायास्थेनिया ग्रेविस दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मायास्थेनिया ग्रेविस रे हेसी गणा इन मायास्थेनिया ग्रेविस डेस्ट्रक्शन ऑफ ओन मसल सेल इज सीन इधर आमर बॉडी रो ओन मसल सेल्स माने डिस्ट्रॉय हेबाटा देखा जिवे। हियर द सेल्फ एंटीजन इज सीन इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। व्हाट इज सेल्फ एंटीजन एज वी ऑल नो दैट एंटीजन इज समथिंग जेनटा कि आमर बॉडी रो इम्यून रेस्पॉन्स के ट्रिगर करवा। तो सेल्फ एंटीजन रो अर्थ कने कि ई एंटीजन माने आमर निजर बॉडी रो सेल मान पर थिरे एका प्रेजेंट थिबे और दैट्स व्हाई जेतु इन निजर बॉडी रो सेल एक एंटीजन हिसाब से बिहेव करुचे तो ताकि से लगे सेल्फ एंटीजन कह जाए। आउ इन सेल्फ एंटीजन मैंने देखा जाए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रे जेन नर्वस सेल्स और न्यूरोन आउ मसल्स और जंक्शन अच्छे सेन देखा जाए। सो व्हाट आर द सिम्टम्स द सिम्टम्स आर मसल्स वीकनेस एंड फैटिग। इन मसल्स वीकनेस देखा जावा आउ तार संगे फैटिग देखा जावा माने फ्रिक्वेंट थकान देखा जावा दैट इज फैटिग। So what is the treatment of myasthenia gravis? Myasthenia gravis is an autoimmune disease also. Tar kichi treatment dekha jauche possible treatments. What are those treatments? First is plasmapheresis. What is plasmapheresis? Here the autoantibodies are removed from the plasma and then again the plasma is transferred into the patient. Pahla patient ra plasma ru autoantibodies manke remove kara hai ba. एंड देन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेन से प्लाज्मा के पेशेंट रो बॉडी रे ट्रांसफ्यूज कर दिया है दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस। नेक्स्ट इज टी सेल वैक्सीनेशन। व्हाट इज टी सेल वैक्सीनेशन इन वैक्सीनेशन दिया हुए बाय यूजिंग एटीन्युएटेड टी सेल वीक और एटीन्युएटेड टी सेल मान के वैक्सीन रे यूज करा है। तो इन देखा जाए एटीन्युएटेड टी सेल और टी सेल वैक्सीन यूज कला परे टी सेल रे जेन एंटीजन रिसेप्टर अच्छे और ताकि टी सेल रिसेप्टर कह जाए से ब्लॉक ही जाए। तो टी सेल उपरे जेन रिसेप्टर टा अच्छे से ब्लॉक ही जाउचे और ब्लॉक हेला परे से टी सेल माने सेल्फ एंटीजन सांगे आउ अटैच हेनी पारन। तो से माने जते बेले एंटीजन सांगे अटैच हेनी पारन और एंटीजन सांगे से माने बाइंड नहीं पारन तो से थिरे फिर आमर बॉडी सेल रा डिस्ट्रक्शन नहीं देखा जा। सो दिस इज टी सेल वैक्सीनेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंस। इम्यूनोसप्रेसेंस माने कना these are the drugs which suppress our immune system. Those are immunosuppressants. Example is corticosteroid. This is a steroid jenta ki amar body ka immune system ke suppress kari desi. Now come to next use of stem cell. A stem cell here adult hematopoietic stem cell transplantation is done. Our jen hematopoietic stem cells mane ache se man ke ina transplantation kara hesi. To dekha jai chhe ki hematopoietic stem cell man ke jodi ame transplant karba तो से स्टेम सेल्स माने आमर इम्यून सिस्टम के सप्रेस कर देसन। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ हेमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन।
Next come to use of monoclonal antibodies. These are the antibodies prepared in the laboratory. Tanke lab re prepare korikina a patient ro body re diya jaisi. So that's all about the treatment of myasthenia gravis. Come to next. Next another disease is multiple sclerosis. So what is multiple sclerosis? It is another example of autoimmunity. So ina dekha jaisi the immune system attack the covering of nerve, that is myelin sheath. Ina jan cell ta attack huche, that is our own nerve cell. Aur abar nerve cell re jani thiba gote covering thise jaha ki koha jaisi myelin sheath. To amar immune system ra cell mane sehi myelin sheath ke attack karbe aur myelin sheath ke destroy kar debe. So jehetu myelin sheath destroy hoi jauche to ithane muscles ra jan control hoche seta loose hoi jaisi, that is multiple sclerosis. So that's all about the autoimmune disorder. Come to next, that is immunodeficiency disorder. So what is immunodeficiency? Ame naru jani paruchu ki ina immune system deficient rahutiba. So what is that? So some people are born without B and T lymphocyte. Kisi lokar dhe likha dekha jae isti ki jan mankar B aur T lymphocyte mane janmaru eka absent thibe. So jehetu B aur T lymphocytes mane absent rochan, this results in frequent infection and diseases in their body. तो बी एंड टी लिम्फोसाइट आबसेंट होचन सेथिल लागे सेवन के फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन देखा जिबा और तार द्वारा फिर डिफरेंट डिजीजेस भी देखा जाएसी. सो नाउ कम टू द मोस्ट सीवियर टाइप. द मोस्ट सीवियर टाइप इज कंजेनिटल डिजीज, दैट इज नोन एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी. सो कंजेनिटल मीन्स व्हिच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. जेनटा कि आम बॉडी रे किछि डिजीज जदि जन्म रो रहूचे ताकि कंजेनिटल डिजीज कहा जाएसी. सो हियर both B and T lymphocytes are absent since birth. Out reason na kada, that is severe combined immunodeficiency. So another type of immunodeficiency disorder is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Tar bisara ame letter details report ma. Now come to next type of immune related disorder, that is allergy. So what is allergy? अब नॉर्मली सुनी थी ना लोग पर्सन मते बैगन रो एलर्जी अच्छे मते धूली रो एलर्जी अच्छे जस्ट लाइक दैट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एलर्जी? इट इज द हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ ए पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंसेस कमिंग इन कांटेक्ट विद द बॉडी. तो अमर बॉडी रे जदी किसी फॉरेन सब्सटेंस आसुचे दैट मे बी एनीथिंग एनी एनिमल और पोलन ग्रेन डस्ट जहाँ भी ताकि जदी आप कहने लोग रो बॉडी हाइपर सेंसिटिवली ताकि रिएक्ट करुचे ताकि कहा जाए एलर्जी. तो नॉर्मली बहुत लोग अच्छा जन मन के कि बैगन सीड्स रू एलर्जी थीसी, एनिमल्स रू एलर्जी थीसी, पोलन ग्रेन डस्ट से थ्रू एलर्जी थी, बहुत लोग के थंडा रू एलर्जी बढ़ी जाएसी. तो तार अर्थ कण है कि ये सब सब्सटेंस मन के तक इम्यून सेल्स मैंने बहुत बेसी रिएक्ट करुचन से गोटे एंटीजन हिसाब से देखुचन आउ तार अगेंस्ट से फंक्शन करुचन ताकि ही कहा जाए हाइपर सेंसिटिविटी. तो सबकर बॉडी रे जिनिसटा नहीं देखा जाए तो जार बॉडी रे नहीं देखा जाए जार बॉडी टाइते हाइपर सेंसिटिव नुहे से एलर्जी देखा नहीं जाए तो जार बॉडी रे इम्यून सेल्स माने हाइपर रिएक्ट करुचन अगेंस्ट दिज सब्सटेंसेस तकर बॉडी रे एलर्जी देखा जाए से. सो द सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन आर कॉल्ड एज एलर्जेंस. जेन माने एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करुचन से मन के एलर्जेंस कहा जाए से. फॉर एग्जाम्पल दैट मे बी पोलन ग्रेन्स और फैब्रिक फूड स्टफ एनिमल्स केमिकल्स डस्ट ड्रग्स ये सब एलर्जेंस रो काम करुच. सो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन दे आर हेरिडिटरी पेरेंट्स रो ऑफस्प्रिंग के जाबा जेनरेशन वाइज जेनरेशन से जैसे. सो द एलर्जी टू एनीथिंग एट एनी टाइम इज कॉल्ड एटोपिक एलर्जी. किसी लोग एंता देखा जाए जेन मैंने कि कहने भी टाइम कहने भी जिन के से हाइपर सेंसिटिविटी देखासन तकर बॉडी रे सांगे सांग एलर्जी होगा. That is called as atopic allergy. तो किन लोकर बॉडी रे एटोपिक एलर्जी देखा जीवा? It is characterized by the presence of large number of IgE antibodies. जर बॉडी रे IgE antibodies माने लार्ज नंबर रे प्रेजेंट थिवे बेसिकली से माने एलर्जिक रिएक्शन देखा सर. सो IgE antibodies they are otherwise called as sensitizing antibodies or reagents. IgE antibody के हमें sensitizing antibodies भी कही पारबा और रिएजेंट्स भी कही पारमा जेन माने कि ब्लड रे लार्ज नंबर रे प्रेजेंट थी सर और अधिक नंबर रे प्रेजेंट थी बार द्वारा एका से माने हाइपर सेंसिटिविटी देखावे. सो नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एलर्जी. आमे पहला जानला एलर्जी काना
फिर जानला एलर्जिक की क्रिएट करूचे फिर हमें जानला कि एलर्जी टा कार लगे होचे दैट इज आईजीई एंटीबॉडीज हमें एवे जानला कि एलर्जी रा पैथोफिजियोलॉजी कण है हियर द एलर्जन एंड द आईजीई गेट अटैच्ड टू द मार्श सेल एंड द बेसोफिल्स इन अजन एलर्जन माने रोचे फॉर एग्जांपल लाइक पोलन ग्रेन स्टार्च केमिकल्स ड्रग्स जहाँ भी से माने आईजीई संगे अटैच हो जाए और वंस आईजीई संगे अटैच होला परे देन से माने मास्ट सेल और बेसोफिल संगे भी अटैच हो जाएसन मास्ट सेल आम आगु भी पढ़ी इनफ्लामेटोरी रेस्पन्स जेनठान कि मास्ट सेल माने हिस्टामाइन रिलीज करना इनफ्लामेटोरी रेस्पन्स देखासन एंड कम टू नेक्स्ट बेसोफिल बेसोफिल इज वन टाइप अफ डब्ल्यू बी सी जी कि एंटीकोआगुलेंट काम करसी बट तार संगे बेसोफिल बॉडी रे हिस्टामिन भी प्रेजेंट थी बेसोफिल भी हिस्टामिन रिलीज करसी जस्ट लाइक मास्ट सेल तो जिते बेले एलर्जन आउ आईजीई टा मास्ट सेल आउ बेसोफिल संगे अटैच हो से टाइम रे ये दुईटा सेल बर्स्ट ठीक है ना दे सेल रिलीज हिस्टामिन से माने हिस्टामिन रिलीज कर सब आउ वंस हिस्टामिन रिलीज कला परे वी ऑल नो द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन दैट इज कॉज इनफ्लामेटोरी रेस्पन्स आम आगु भी पढ़ीला इनफ्लामेटोरी रेस्पन्स कण है जेन जगार कि भासो डायलेशन हवा माने ब्लड वेसल्स माने ताको डायलिटेशन है कि ना से अधिका ब्लड फ्लो करबा से जगह गरम लगबा सेनु फ्लुइड माने बाहरी जीवे एक्जुडेट हेबे ब्लड वेसल्स रु फ्लुइड लीकेज हवा तो से जगह फुली कि ना देखा जाएसी ईचिंग हेसी लाल देखा जाएसी दैट इज द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेटोरी रेस्पॉन्स तो जस्ट लाइक दैट इन्फ्लामेटोरी रेस्पॉन्स इन भी सेम जिनिस ही देखा जीवा मास्ट सेल बेसोफिल्स माने रप्चर हेबे से माने हिस्टामिन रिलीज करबे आउ जेन जगार ये जिनिसटा होचे सेठाने लोकल एरिया रे भासोडाइलेशन हवा सेन इचिंग देखा जीवा रैशेस देखा जीवा से जगहटा लाल पड़ी जीवा गरम लगवा फुली जीवा दोज आर द सिम्टम्स सो द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस आर इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जदि इंटरनाली हला जदि बॉडी भितर आम किसी फूड खाऊ से फूड रु जदि आमके एलर्जी होचे तो आम डाइजेस्टिव ट्रैक्टर म्यूकोसल मेम्ब्रेन माने एंता एका रिएक्ट देखावे सेन इन्फ्लामेशन देखा जीवा स्किन रैशेस हवा स्नीजिंग हवा माने जदि डस्ट पार्टिकल नाक रे जाई कि ना एलर्जी होचे तो सेन स्नीजिंग हवा फ्रिक्वेंटली छींक आसवा वाटरिंग ऑफ आई आंखी पानी पानी हवा इनएबिलिटी टू ब्रीथ इवन जदि लंग्स रे किछ असुविधा होचे से जगह रे ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी देखा जाएसी माने निश्वास नेबार के भी असुविधा हेसी नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ एलर्जी आस्थमा आस्थमा इज एलर्जिक डिसऑर्डर जेन कि आम रेस्पिरेटरी पार्ट टा इफेक्ट होचे नेक्स्ट कम टू अनदर टाइप एक्जिमा एक्जिमा इज अ स्किन डिसऑर्डर एलर्जी हेसी सेने स्किन रे छोट छोट रेड स्मॉल ब्लिस्टर्स देखा जाएसी दैट इज द एलर्जी इन द स्किन नाउ कम टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलर्जी आम बॉडी रे एलर्जी टा डिफरेंट फॉर्म रे डिफरेंट पार्ट रे देखा जाएसी से विषय रे आम जानमा कम टू फर्स्ट हे फीवर दिस इज ए फॉर्म ऑफ एलर्जी सीन इन द इंटरनाजल पार्ट अमर जन नोज पार्ट अच्छे नोज रे ई एलर्जी टा देखा जाएसी हियर द हिस्टामिन कॉज इंटरनाजल वास्कुलर डाइलेशन अमर नोज एरिया रे माने इंटर नोज रे इंटरनल नाजल पार्ट रे जन ब्लड वेसल अच्छे से डाइलेशन देखा जाएसी डाइलेशन रो अर्थ होचे ब्लड वेसल्स माने टिके चौड़ा हिजी बाटा माने ताको जन नॉर्मल साइज थिला सेथिरु समय टिके चौड़ा हिजीबे तो सेथिरे अधिक ब्लड फ्लो करबा दैट इज वास्कुलर डाइलेशन तो सिम्टम्स कण है द सिम्टम्स आर स्वॉलेड रेडेंट एंड वाटरी आईज एंड रनिंग नोज सेते बेले आखिटा फुली जीवा लाल देखा जीवा पानी बार बा आखिरु विथ रनिंग नोज नाकरु भी पानी बाहरी से कम टू नेक्स्ट आस्थमा व्हाट इज आस्थमा आगरु आमे पढ़ला हियर द एलर्जन एंड द रिएजेंट रिएक्शन ऑकर्स इन द ब्रोंकियल्स ऑफ लंग्स आस्थमा इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जी इन अजन एलर्जन अच्छे जस्ट लाइक डस्ट और कोल्ड और धूली धुआं हेंती रो एलर्जी हेसी जेनता आस्थमा हेसी तो से जगह एलर्जन एंड रिएजेंट रिएजेंट आर आवर आईजीई ये रिएक्शन तो देखा जाएसी लंग्स रो ब्रोंकियल्स रे और लंग्स रो ब्रोंकियल्स रे जते बेले एलर्जन एंड रिएजेंट रिएक्शन हवा से टाइम रे मास्ट सेल माने रिलीज करबे हिस्टामिन एंड हियर द हिस्टामिन कॉज स्पाजम ऑफ ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल अमर ब्रोंकियल रे जे स्मूथ मसल थिबे से माने स्पाजम हेबे से मानकर कंट्रैक्शन हवा तो कंट्रैक्शन हवा द्वारा से मानकर जन ब्रोंकियोलर
जन ब्रोंकियल्स मानकर वाल अछि सेटा छोट हि जिबा माने ताकर साइज ता कम हि जिबा इट लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ताके को आ जैसे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इट लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जेहेतु ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखा जाउछ ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल स्पैज़म हे के ना हमके से टाइम रे निश्वास नबार लगे डिफिकल्टी हेसी सो ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स जेन जगह हिस्टामिन रिलीज होचे सेटा भासोडाइलेशन करबा भासोडाइलेशन माने ब्लड वेसल टा डायलेट हि जिबा ब्लड वेसल चौड़ा हि जिबा बाकी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हेसी माने ब्रोंकियोल माने छोट हि जायसन ऑलवेज दिस इज सीन इन एलर्जी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन दैट लीड्स टू डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग एंड भासोडाइलेशन माने ब्लड वेसल्स माने चौड़ा हि जिबे Now come to next anaphylactic shock. Anaphylactic shock is the severe form of allergy. जेते बेले आमर जदि asthma हला कि hay fever हला सेटा localized देखा जाउछे. Asthma in the lungs रे अछे. Hay fever देखा जाउछे internasal area रे. But anaphylactic shock इटा entire body रे देखा जायसी. It is the severe form of allergy and anaphylactic shock even leads to death. बहुत जगह रे इटा death create करबा लागि भी sufficient है. तो what are the causes? द एलर्जन इन एलर्जन माने होचन पेंसिलिन तमे सुनि भी थिबो अगरु कि जने लोके पेंसिलिन दिया होचे पेंसिलिन दवा लागु ताके टेस्ट कराय छै पेंसिलिन शॉक करू छै कि पेंसिल रिएक्शन देखो छै के बहुत लोके पेंसिलिन रिएक्शन है छै सो इन एलर्जन ता काम करबा पेंसिलिन दैट इज अ इंजेक्शन और जेंटा कि एंटीबायोटिक रो काम करसी पेंसिलिन नेक्स्ट बी स्टिंग जदि मौमाछी खा के स्टिंग कला ई सब कारण लगे It leads to rupturing of mast cell and release of histamine. Just sahi same allergen reagent or reaction hai ba, mast cell rupture hai ba, and there is release of histamine. So histamine ro hume jani chhu tar function karna hai, inflammatory response hai ba, entire body re it leads to vasodilation. Hume jen pahla tumke picture dekhe thili, amar flash slide re hoche. See, this is the picture of anaphylactic shock. देख तार बॉडी तार सब पार्टी ना फुली है जे लिप्स आईज फुली है जे सब तो इन इट लीड्स टू वैसोडाइलेशन ब्लड वेसल्स माने डायलेट है जेबे डायलेट है कि ना जेतु से ना सरफेस एरिया टा बढ़ी जाउचे से टाइम रे प्रेशर कम हो जेबा इन ब्लड प्रेशर टा लो हो जैसी इंक्रीज लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल ब्लड वेसल्स रु फ्लूइड माने बाहर के आवटा स्टार्ट कर देबे सो ड्यू टू द लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल पफिनेस देखा जैसी पफिनेस माने जे स्वेलिंग तम के देखाली से स्वेलिंग देखा जिबा एंड इवन ड्यू टू ड्रास्टिक ब्लड प्रेशर फॉल्स ब्लड प्रेशर बहुत अधिक फॉल्स हो जैसी और भी बहुत अदर सिम्टम्स देखा जैसी इट लीड्स टू इवन द डेथ ऑफ द पेशेंट सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर थैंक यू स्टूडेंट्स